तो मैंने सेंट्रल स्टैंड पे स्कूटी लगाई है, अभी मैं सोच में क्या करूँ, इतने में देखती हूँ 1, 2, 3, 20 बाइकर्स वापस, वो किसी एक ने ना उनको बुला लिया और सारे के सारे बाइकर्स वापस आ गए। आई स्वेयर वो दोनों टेंट्स ना मैंने ऐसे पकड़े बाहुबली की तरह। मैंने कहा टेंट है मेरे, बंदे नहीं जाने चाहिए। और फिर जब मैं सच पास करके नीचे आई शाम को वापस, वो मकैनिक इतना खुश हुआ, उसने कहा मैडम यहाँ आज से यहाँ आपकी फोटो लगाऊंगा मैं। तो एक लड़की होगी ठीक है, और एक मैं होगा ठीक है, मैं उसको चढ़ाने की कोशिश करूंगा, साड़ी के कैसे दुपट्टा लहराएंगे और फिर फोटो शूट होगा। नहीं वो भी दिस इज मोनिका, शी रन्स अ जम्मू बेस्ड एडवेंचर ट्रैवल एंड ट्रैकिंग कंपनी कॉल्ड वाइल्ड सेपियंस। सोचा था मैं कल दी गे गल, जब आई ही तू आख दी ही कन्ने मेरे चल, लई चल की तू ही मैं जूते नहीं हूँ। So if you love traveling, this episode is for you. जैसे मैंने कहा कि मैंने स्कूटी पे सच पास करने का प्लान किया था। सच पास जो है वो बेसिकली चंबा और कांगड़ा को कनेक्ट करता है, और ऐसे गूगल सर्च करो तो लोग कहते हैं वहाँ लिखा होता है डेडलीस्ट रोड, क्योंकि वहाँ आप उस साइड से जा रहे हैं जो किश्तवाड़ वाला रोड है किलाड़ के लिए। तो वो बना ही वैसा था कि वो लगता था वो डेडलीस्ट है। और सर्च करके वापस आके फिर मुझे लद्दाख की जो रोड आती है ज्वाइनिंग लाहौल वाली, वो ज्वाइन करनी है। तो जब मैं सर्च के लिए रेडी हुई, रात को पहुँच गई किलाड़, और सुबह मैं निकल रही थी तो मुझे वहाँ के मकैनिक ने कहा, कहता मैडम मुझे 18 साल हो गए यहाँ पे, स्कूटी तो नहीं जाएगी और आप लेके जाओगे, हो ही नहीं सकता। उसने मुझे इतना ज़्यादा बोल दिया ना कि मुझे लगा कि ठीक है नहीं जाएगी तो देख लेंगे। और मुझे लगता है उस टाइम पे इंसान देख ही लेता है, देखना ही पड़ता है और कोई और क्या होता है। आर या पार एग्जैक्टली, आप बहुत प्लान करके चलोगे तो लाइफ में कभी नहीं निकल पाओगे। अकॉर्डिंग टू प्लान तो वैसे ही कभी कुछ नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली, तो फिर मैंने भी कहा देख लेंगे, अब करना तो है ही। प्रॉब्लम्स तो बहुत आ ही रही थी बिकॉज स्कूटी के टायर के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट उतना मजा भी आ रहा था। और जितने लोग वहाँ पे छोटे छोटे ढाबा थे मैगी वाले, एक प्रिंसिपल भी मिले मुझे वहाँ से हिमाचल के, वो 5 साल के बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने अपनी स्टोरी किसी फ्रेंड को बताई थी कि एक लड़की जम्मू से सच पास करने आई थी एंड वो मेरे फॉलोअर हैं। तो ऐसे फॉलोअर बनना जब आप सोशल मीडिया पे नहीं होते हो बहुत बड़ी बात होती है, लोग आपको फिर भी याद रखते हैं कि कोई लड़की आई थी उसका ये नाम था, वो इसकी ये स्कूटी थी। और फिर जब मैं सच पास करके नीचे आई शाम को वापस, वो मकैनिक इतना खुश हुआ, उसने कहा मैडम यहाँ आज से यहाँ आपकी फोटो लगाऊंगा मैं। एंड ही सेड स्पेशली इसे सेल्फी ली, कहते हैं यहाँ जितनी बाइक वाले आते हैं ना सबकी बाइकें बंद हो जाती हैं और ऐसे बड़ा दिखाते हैं हम बुलेट लेके जा रहे हैं, हम ये लेके जा रहे हैं, उनको बताऊंगा ये लड़की आई थी। तो वो एक चीज़ थी जो मतलब यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है। सिमिलरली ऐसी चीज़ें मेरे से बहुत बार हुई हैं, मतलब लोग जब आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, और जब आपको लोग समझते हैं कि हाँ लड़कियाँ भी कर सकती हैं तो दैट इज अ फीलिंग यू रियली लाइक। So there are a lot of things that like particularly women would have faced like aapki journey mein aapko kaafi sari dikkat aayengi because of being a woman. Basic to safety hai, I think baaki sab cheeze na overcome ho jati hai. If you are in a scenario like how do you know overcome that? Because agar aap solo travel kar rahe hain, solo travel karna mera shauk hi nahi tha, pehle to majboori tha because koi bhi itne travel ke liye extreme travel ke liye ready nahi hota hai group mein. To aap aisa to nahi kar sakte ki koi ready nahi ho raha to aap nahi jaoge. तो अब आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी के लिए जो एक्सेसरीज हैं वो कैरी करो, नाइफ है या मे बी आपके पास कुछ पेपर स्प्रे है, तो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ठीक है, वो एक सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आप किसी को बता के जाओ ताकि कोई ना कोई आपके बैकअप में वो वहाँ रहे। तीसरा जाने से पहले उस लोकेशन के जो लोकल लोग हैं, अगर आप किसी को म्यूचुअल फ्रेंड है उस गांव का या उस लोकेशन का, तो एक कनेक्शन बना के जाओ ताकि आपकी सेफ्टी जो है वो डबल हो जाए, आपको कुछ ऐसा फेस करना ना पड़े। सो व्हाट आर लाइक द बेसिक थिंग्स समवन शुड थिंक अबाउट लाइक टू कैरी अलॉन्ग विद देम इफ दे गोइंग फॉर अ ट्रैक और समथिंग, बिकॉज़ मैं जब पहली बार गया था आई वाज हाईली अनप्रिपेयर्ड, यू डोंट नो कितनी ठंड होगी। एग्जैक्टली, सो एक बेसिक एक्सेसरीज अगर आपकी बात करें तो अगर आप हाइक के लिए जा रहे हैं, इफ इट्स अ डे हाइक ऑलवेज कैरी अ स्मॉल बैग जिसमें वाटर बॉटल इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, ये हम अपने क्लाइंट्स को भी कहते हैं क्योंकि वाटर आपकी हाइक पे बहुत जरूरी है, तो वाटर बॉटल शुड बी देयर। टॉर्च होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मोबाइल की टॉर्च है, बट आपको ये नहीं पता कि अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में फंस गए आपकी फोन की बैटरी ड्रेन हो सकती है, एंड यू नीड अ टॉर्च जिसकी आप इतनी वेवलेंथ है कि वो आप रीचेबल हो सबके दूर तक के लिए भी, आपको कोई मैसेज पास करना है या उसमें कलर चेंज होता हो ठीक है, रेड और वाइट दोनों। फिर आपके पास अगेन एज आई सेड एक नाइफ तो होना ही चाहिए, स्विस नाइफ, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपको काम आ सकता है। देन बेसिकली आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ योर सॉक्स ठीक है, क्योंकि अगर गीले हो गए तो यू कैन चेंज इट और समथिंग।
उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उस लोकेशन पे जाने से पहले एक बार उसका वेदर चेक कर लें, ठीक है? अगर रेनी है तो रेन गियर हमेशा कैरी करें, जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, मे बी अ स्मॉल अम्ब्रेला और समथिंग, ठीक है, रेनकोट और समथिंग। और ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं फंस गए आपके पास खाने के लिए एटलीस्ट कुछ कैलोरीज तो होंगी, तो ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अपने बैग में कैरी करनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डे हाइक। अगर आपका दो तीन दिन का कैंप वाला है देन देर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कैरी। फिर आपको लेयर्स में कपड़े पहनने हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सीधे मोटे मोटे कपड़े पहन के आते हैं फिर चलना नहीं जाता उनसे, और क्योंकि पूरा पूरा बॉडी में पसीना आ जाता है, तो वो बेवकूफ़ी नहीं करनी। ऑलवेज वेयर इन लेयर्स, ठीक है, ताकि आप अपनी लेयर जो है एक एक करके उतार सकें। तो अगर वेदर जो है वो ठंडा है तो हमेशा यू हैव टू कैरी योर कैप, आपके कान वगैरह जो है वो बंद रहने चाहिए। तो वो चीजें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल बिकॉज़ लाइक जनरली आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो सीन पीपल कमिंग टू ट्रैक हाईली अनप्रिपेयर्ड, बहुत ज्यादा मैं हमेशा देखती हूँ, हमेशा हमेशा ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हुआ था जब हम बनी सत्र गए थे, सो देयर वाज दिस कपल, वो अपने साथ अपना 6 महीने का, 1 साल का, 4 महीने, 4 महीने का बच्चा लेके आए हैं फॉर स्मॉल हाइट एंड एक्चुअली उन्होंने अंडरएस्टिमेट कर दिया भाई ना, मतलब लॉट ऑफ पीपल अंडरएस्टिमेट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल लाइक हाउ द लेवल्स ऑफ पीपल अंडरएस्टिमेट। थैंक्स टू आवर टीम मेंबर्स बिकॉज़ हमारे टीम मेंबर्स लोकलाइट्स हैं, तो वो चीजें बहुत हेल्पफुल हो गया और चीजें बहुत स्मूथ हो गई इवन इफ द वेदर वाज नॉट दैट गुड, इट वाज वेरी हार्श। और उस ट्रैक में एक और चीज हुई थी, सो आवर कार्स वेंट थ्रू लैंडस्लाइड, मिनी लैंडस्लाइड मतलब हमारी गाड़ियां जहाँ खड़ी थी उसके ऊपर जो पहाड़ था, रात को इतनी बारिश हुई वो पहाड़ ढह गया और हमारी गाड़ी पहाड़ एक्चुअली वो खेत था उसका, तो उसके जितनी भी मिट्टी थी वो सारी की सारी आ गई, उसमें पत्थर नहीं था, मिट्टी थी सारी। और सुबह मेरे पास फोटो है, मैं इधर पॉडकास्ट में डाल दूंगा, मेरे पास फोटो है भाई ऑल्टो के शीशे में पूरे ऐसे मिट्टी पत्थर छोटे छोटे, मतलब ऑल्टो नहाया है। तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अस्तानमर्ग, बहुत खूबसूरत है वो, तो उसके टॉप पे जाओ रात को कैंप करो तो पूरी श्रीनगर सिटी आपको नीचे से दिखती है, सो ब्यूटीफुल। अब मैंने जिद पकड़ ली कि मैंने वहीं काम कराना है। लोकल्स कहते हैं मैडम आपसे नहीं जाएगी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ देखा जाएगा। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि अब वो लोकल्स कश्मीरी थे और उनका मैडम जा तो रही है, वो उन्होंने मुझे भेज तो दिया बट इतना उन्होंने अच्छा किया कि वो खुद पैदल भी आ गए कि कहीं फंस जाए तो हम आ जाएंगे। लेकिन सच में वो टर्न्स ऐसे थे उसके कि अगर आपका मोशन टूटता है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, इवन इफ आप कितना भी धक्का लगाओगे, बहुत बुरी हालत है। और मुझे उस टाइम लोकल ने बताया डराने के लिए बट वो सच भी था कि कुछ दिन पहले ही वहाँ से गाड़ी गिरी है। मज़ा आया बहुत, तो अभी क्या था 3-4 टर्न्स के ऊपर ना गाड़ी रुक गई ऐसे। अब ये क्लाइंट तो निकला, मैंने पकड़ के रखी थी हैंड ब्रेक, शुक्र करो लोकल्स भी आ गए वहाँ से। तो यहाँ से अंकल लगे वो मुस्लिम थे और यहाँ से मेरा क्लाइंट था हिंदू था, वो जय श्री राम कर रहा है, वही लाही लाही कर रहा है बीच में गाड़ी चला रही। मैंने कहा दोनों प्लीज दोस्ती कर लो, आज सारे भगवानों की ताकत जोड़ के निकालेंगे, आज जाने दो गाड़ी, आज तेरे गाड़ी जैसे ऊपर पहुंची है ना, वो एक जो फीलिंग आई ना, वो एड्रेनलिन मुझे नहीं आया, वहां सबको आया है। गाड़ी मैंने पाकी, मेरे क्लाइंट कह रहे हैं मैडम गाड़ी के पास नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल एज पे करेंगे, एक्चुअली ना व्यू अच्छा आएगा, टेंट खोलते ना व्यू दिखना चाहिए। और व्यू तो सही आ रहा था, मजे भी लिए, स्वीट डिश भी खाई, अच्छा एंजॉय हुआ उस टाइम पे। फिर ये सो गए और 2 बजे बारिश शुरू हो गई, यार इतनी बारिश, मैं अंदर से भगवान बोलूँ आप वेट नहीं कर सकते हो, 2-3 घंटे रुक जाओ बिकॉज लाइक कैसे करना है इनको मैनेज। अभी बारिश होगी 3 बजे तो ऐसा हुआ कि उड़ जाएंगे और ये सब सोए हैं, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स को मना भी किया था कि यहाँ नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा। अब इतनी तेज हवा चली कि वो कोलैप्स हो गया, मैं बाहर निकली हूँ, आई स्वेयर वो दोनों टेंट्स ना मैंने ऐसे पकड़े बाहुबली की तरह। मैंने कहा टेंट है मेरे बंदे नहीं जाने चाहिए। मैं कॉन्स्टेंटली सही बाहर निकलो ऐसा, मैम निकल रहे हैं ये अंगड़ाइयाँ ले रहे इनको ये होश नहीं है कि बाहर हुआ क्या। और जब इन्होंने ऐसे मुंडी बाहर दिखा दी ना, दे सेड मैम बचा लो हम धरती पे, मैंने कहा धरती है ये। इसके बाद सब ने टेंट लिटरली ऐसे पकड़ा कि सामान पकड़ के गाड़ियों के पास गए। 4-5 बजे गाड़ियों से लॉर्ड ऑल्टो घुस गए, हम तो यही बैठेंगे जब तक सुबह नहीं होगी। उस चीज का मजा ही अलग था, मतलब ये सब चीजें बहुत सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। तो लग रहा है अगले संडे प्लान में करेंगे बाइक चले हाइक पे। और मुझे लगता है कि लोग ना ये जवानी है दीवानी मूवी देख के ना लोगों को लगता है कि बस इट्स ऑल गुड 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 गुड, कोई एक लड़की होगी ठीक है और एक मैं होगा ठीक है, मैं उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूंगा। लोगों को बस वो फिल्मी चीजें समझ आता है, वो बनी याद आता है, लेकिन लोगों को नहीं,
लोगों को ये समझ नहीं आता कि एक हर एडवेंचर के पीछे एक अनप्रिडिक्टेबल स्टोरी होगी होगी, ठीक है। आप आपका कांटेक्ट नहीं है रेन गॉड के साथ कि आप फोन कर दोगे भाई मैं आज आ रहा हूँ, आज मत बरसना, आज भाई बंदी लेके आ रहा हूँ, आज मेरा प्रोग्राम मत खराब करना, प्लीज इट्स एन एडवेंचर, कुछ भी हो सकता है, प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। आप अपने सारे एक्सेसरी एसेट सब लगा दो, अपने कॉन्टैक्ट लगा दो, बट ये बेवकूफी मत करो कि सब एक गुड़ी गुड़ी सिचुएशन लेके जाओ कि भाई हम जाएंगे ऐसे साड़ी के ऐसे दुपट्टा लहराएंगे और फिर फोटो शूट होगा, नहीं वो भी वो चीजें भी होती है, बट आई थिंक मौसम की कंसिडरेशन लेना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। What kind of a community is it now? इस एक चीज में इंटरेस्टेड है कि जो फील मुझे आता है ना एडवेंचर के बाद और जो मैंने अपनी लाइफ में अपने हर डाउन पीरियड में के बाद जाके जो मैंने एक अच्छी फीलिंग ली है, बिकॉज ट्रैवल ने बहुत हेल्प किया है, ट्रैवल चेंजेस यू फ्रॉम इनसाइड आउट, ठीक है। ट्रैवल आपको एक थेरेपी की तरह हेल्प करता है, एक हीलर की तरह हेल्प करता है, तो वो थेरेपी वो हीलिंग मैं लोगों में देना चाहती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने एक प्लान किया कि क्यों ना जम्मू में ही लोग जैसे मंडे से फ्राइडे सैटरडे मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में है या जॉब्स में है ऑलरेडी, तो संडे के लिए गेट अवे होना चाहिए या फिर लॉन्ग वीकेंड के लिए कुछ प्लान होना चाहिए। और जबकि मैं कह रही थी आपको कि हमारा जे एंड के इतना खूबसूरत है कि इंटरनेशनली टूरिस्ट ने उसको इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं और इतनी एक्सपीडिशंस हो चुकी हैं, लेकिन हम लोकल लाइट्स ही हैं कि हमें अपनी लोकेशंस नहीं पता है, एंड वी प्लान कि हम मनाली जाएंगे, हम प्लान करते हैं कि हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, या जब वो लोकेशंस आपको घर बैठे मिल रही है तो क्यूरी चेक करनी है। और फिर उस कॉन्सेप्ट से मैंने वाइल्ड सेपिंग स्टार्ट किया और मेरी यूएसपी ये है कि मैं ऑफ बीट लोकेशंस पर ट्रैक करवा रही हूँ और लोकल कल्चर से लोगों को कनेक्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जब मेरे लोग क्लाइंट्स वहाँ जाते हैं उस लोकेशन पे, तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह का म्यूजिक या डांस फॉर्म प्रेफर करते हैं, उनका क्यूजीन क्या है, तो मैं उसके बारे में लोगों को समझाऊंगा और कनेक्ट करवाऊँ ताकि ट्रैवल एक लर्निंग भी बने, सिर्फ एक फन एक्टिविटी के साथ खत्म ना हो जाए। तो अब ये कम्युनिटी इस लेवल पे बन चुकी है कि हमारे पास वीकेंड्स पे, मतलब अभी जैसे मेरा एक साल कंप्लीट हुआ है, 500 प्लस क्लाइंट्स मैंने कवर किए हैं इस बार और 33 ट्रैक्स कवर किए हैं इन वन ईयर, और दैट टू बी द फर्स्ट ईयर। अब हमारे पास जो कम्युनिटी है और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, हर फील्ड से हैं, तो ये सारे लोग तो आ ही रहे हैं, आर्टिस्ट लोग भी आ रहे हैं। तो जैसे आपने आरएस बाबू का मेंशन किया, तो बाबू इज समवन जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो उससे बेटर कौन हो सकता है। मैंने उसे सेवन लेक्स के लिए इन्वाइट किया था और सेवन लेक्स हमारा एक ट्रैक था जो पीर पंजाल की अल्पाइन लेक्स का ट्रैक था, बहुत ही खूबसूरत था और वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप रह चुका है वो पूरा का पूरा जो अभी तक ट्रैक हुआ है। तो बाऊ उसमें आए थे और हमारी हर इवनिंग एक म्यूजिकल इवनिंग चल रही थी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, हम डोगरी में छोटा सा कॉन्सर्ट पहाड़ों में, यस यस यस, और उसमें हमारा डोगरी भी चल रहा है, अपना पंजाबी भी चल रहा है, और इवन जो वहाँ के लोकल लोग थे उसे बैंत कहते हैं, जो वो बैंत गाते हैं, तो गुजर्स जो वहाँ की गुजर कम्युनिटी के, तो हमने उनको भी इन्वाइट किया हुआ था। तो हम सबका एक फुल ऑन म्यूजिकल शो चला है और वो एक एक्चुअली सर्वाइवल नाइट थी, उस दिन भी वेदर खराब हो गया था, उसकी भी अपनी स्टोरी है। आई लाइक दिस वर्ड सर्वाइवल नाइट, सर्वाइवल नाइट, तो वो सर्वाइवल नाइट पे भी हमने इतना एंजॉय किया है ना, तो इट इज जस्ट बिकॉज कि लोग बहुत मतलब फ्लेक्सिबल हैं, लोग समझदार हैं चीजों को लेके, वो हमने कम्युनिटी बनाई है। बट इसे कल्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि पहले लोग इसे समझें कि भाई दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, ट्रैवल ट्रैकिंग या एडवेंचर इज समथिंग जो आपकी लाइफ में आपको रिलीफ देने वाला है, एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप गधों की तरह काम करते जा रहे हो, आप सिर्फ अपने बाहरी चीजों के लिए पैसे खर्च रहे हो, यू आर लाइक कपड़ों के लिए ले लोगे, ज्वेलरी के लिए ले लोगे, ठीक है, गाड़ी अच्छी लोगे, घर अच्छा बना लोगे, टायर लगा लोगे, पर एट द एंड अपनी फील का क्या करोगे? सही बात है। तो खुद की फील के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडवेंचर और ट्रैवल करें। तो वो चीज का जो हमने जब ये फ्लेवर ऐड किया, जब हमने ये कॉन्सेप्ट लाया, तब धीरे धीरे वो कल्चर बना। मैं सुबह सुबह 6 बजे आ रही हूँ जम्मू जैसे स्टेट में जहाँ पे लोग पेरेंट्स अपने बेटियों को नहीं भेजते हैं अननोन ट्रैवल के लिए, वहाँ फ्रेंड सर्कल के साथ बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ जम्मू में सिर्फ मुझे लगता है वैष्णो देवी के लिए भेजते हैं वैष्णो देवी के नाम पे लोग सब बिल फाड़ते हैं इट्स ट्रू। तो अब वहाँ पे सच बोल के जाना, ठीक है, और ये बताना किसी कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो वो आई थिंक वो एक चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यू कैन गो विद स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स वाला बॉन्ड है ना, हम उसको फेमस कर रहे हैं कि कैसे 10 लोगों और 15 लोगों से आप हर ट्रैक पे नए मिलते हैं और हर बंदा एक अलग प्रोफेशन से होता है और हर एक अलग स्ट्रीम का होता है, कैसे उनके बीच में कनेक्शन बनता है, आप एडजस्ट होना सीखते हो, किसी की एक आदत आपको शायद नहीं अच्छी लगती होगी बट उस टाइम आप एडजस्ट करते हो, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस डेवलप करता है, फिर आप बॉन्ड बनाते हो, दोस्ती कैसे कर सकते हैं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना सीखते हैं, मतलब देयर इज सो मच ऑफ लर्निंग जो आप एक ट्रैक पे जाके चीजें सीख सकते हैं। तो वो चीजें हैं, मैं कहती हूँ इट्स जस्ट नॉट अ ट्रैवल, इट्स अ लाइफ लर्निंग जो हम लोग करवाते हैं, और उसी की वजह से फिर हम लोगों ने ना एक आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम भी बनाया
और उस लर्निंग प्रोग्राम में हमने अप्रोच किया स्कूल्स को और कॉलेजेस को कि आप बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज मत दो, आप उन्हें रेडी करो एक सोसाइटी के लिए, क्योंकि एट द एंड उसे कमरे में काम नहीं करना है, उसे लोगों को फेस करना है। तो उस आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम बनाया और हमारे साथ स्कूल के 200 बच्चों ने लास्ट ईयर हमारे साथ ट्रैक किया और यू वोंट बिलीव इट, उस ट्रैक पे बारिश हो गई, बट यू वोंट बिलीव इट बच्चे कितने खुश हुए। बच्चे सेट की दीदी मजा आ रहा है, मैम मजा आ रहा है हमें, मैंने सोचा इन बच्चों ने बारिश देखी। That's true. Their parents will not let them. Because, क्योंकि क्या है कि पेरेंट्स ने बच्चों को इतना कोजी जोन में रखा हुआ है, इतना पैम्पर्ड कि नहीं नहीं बच्चे बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा कोई भी मेरे ट्रैक पे आता मैं ये कहती हूँ कि पहले तो डरना ही नहीं है, क्योंकि आपके जो नेचर है ना वो आपको खुद प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आप ये सोचोगे कि भाई मैं गिर जाऊंगा, मुझे पाँव नहीं रखना, माइंडसेट आप एग्जैक्टली माइंडसेट वैसा है। आपको अपने पर भरोसा रखना है कि एक तो मैं इंसान हूँ और मैं प्रकृति का ही हिस्सा हूँ, ठीक है, इसी नेचर से निकला हूँ और ये नेचर मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं करेगा जब तक मैं इसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब बच्चों को मैंने चीज समझाई ना तो दे वर सो कॉन्फिडेंट और दे एंजॉयड द रेन, एक भी बच्चा बीमार नहीं हुआ, नहीं तो ऐसे लगा छींकें आ रही है, ये हो रहा है, वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, हम जो आपने कहा ना कि लाइफ स्किल्स जो सीखने को मिलते हैं, लाइक दिस इज व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ जम्मू, लाइक आई स्टेड आउट ऑफ जम्मू ओनली, बट आई वाज गुड विद कन्वर्सेशन बट नॉट गुड विद लाइक कॉन्फिडेंस। हमें स्कूल में कॉन्फिडेंस नहीं सिखाया था, बुकिश नॉलेज नहीं था, सो व्हेन यू गो नेटवर्किंग करना, यस यस, यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल, स्ट्रेंजर्स, मीटिंग स्ट्रेंजर्स एंड डू दैट, सो ट्रीटिंग देम कि वो आपके लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कैंपिंग का जो पहला फील है ना, मुझे लगता है वो पहला फील हमारे मेरे अंदर तो कॉलेज नहीं डाला है, बट मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि वो बच्चों के अंदर शुरू से डालें, इवन स्कूल के टीचर्स के, कि अगर वो अभी डाल सकते हैं दिस इज द राइट टाइम। तो आप इसके लिए तैयार मत करो कि बच्चा कोई जॉब ले जाए, ठीक है, आप तैयार करो कि बच्चा लाइफ जीना सीख जाए, उसको लोगों के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना, इंटरेक्ट करना, सोसाइटी में चीज़ें कैसे रन करनी है वो समझ आ जाए, कि आप उसे कोई भी प्रॉब्लम दो वो उसका सोल्यूशन ढूंढ के दिखा दे। जब आपका बच्चा इस चीज़ के लिए रेडी है ना, देन आपको लगेगा, तब आप मानिए कि आपने उसको एजुकेशन सही दी है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कॉलेज है। वाओ, दिस सो इंस्पायरिंग, ऑनेस्टली कितनी सही चीज है, मैं पापा को दिखाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग को ऐड करना चाहिए एक ट्रिप जम्मू में मस्त वाला। पापा बोले मोनिका, हाँ हाँ वो लड़की सही है, उसके साथ जा भाई ना, जो पहले भी लड़की, हाँ सही सही सही। तुम मेरे साथ पता ना, अभी ये इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ पहलगाम में, हम लोगों ने एक शेषनाग में लेक का ट्रैक करवाया, फ्रोजन लेक का ट्रैक था। तो हाँ, उससे पहले मेरा एक शंखपाल का ट्रैक था, तो उसमें एक फादर आए थे, मतलब इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग, फादर आए और अपनी बेटी को ड्रॉप करके गए, सिमिलरली वैसे ही बैकग्राउंड से जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, तो अपनी बेटी को छोड़ के गए और मैं एज यूजुअल सबको विश करती हूँ, तो आई सेड हाय अंकल एंड ही इज लाइक मैं नमस्ते, मैं इस टाइप का, मैं कहा ठीक है अंकल, ओके। तो अंकल ने हैंडशेक भी नहीं किया, तो आई थॉट कि इट्स ओके, अंकल उसी टाइप से होंगे। तो अभी नेक्स्ट ट्रैक पे जब उनकी बेटी शाम को ट्रैक करके आई और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सुनाए होंगे, शी वॉज सो हैप्पी, और कि अंकल ने मुझे कॉल किया नेक्स्ट ट्रैक पे, मेरा भी बुक कर दो, मेरी बेटी का भी बुक कर दो। एंड जब वो वाला ट्रैक 3 दिन के बाद खत्म हुआ, एंड आई सेड ओके अंकल, ही से या ओके। सो दिस इज लाइक आई कैन सी द चेंजेस, लोग कहते हैं ना कि क्या ही चेंज आ जाएगा एक दिन में, मैं खुद उसके लाइव एग्जांपल हूँ। मैं कितने लोगों से, मैं जैसे 500 लोग कह चुकी हूँ, हमने क्लाइंट्स कवर किए, तो आई नो द स्टोरीज, सबकी स्टोरी पता है मुझे, सबका पता है किसका फेवरेट गाना क्या है, कौन किस पे वाइब करता है, तो आई हैव सीन द चेंजेस कि लोग कितना एक छोटे से ट्रैवल से उनमें कितना चेंज आता है। इट्स एक्चुअली नॉट द टाइम, इट्स एन एक एक्सपीरियंस आपको बदल सकता है। आप पूरा साल एक जगह बैठ के कुछ काम कर लो, आप कुछ नहीं बदलेगा, बट वन एक्सपीरियंस वेयर थिंग्स डोंट हैपन द वे यू वांट इट टू हैपन, एंड देन यू हैव टू थिंक कि भाई नहीं, अब ये गाड़ी मोड़नी है, नीचे भी नहीं गिरानी है, एंड देन समहाउ पीपल कैन एंड हेल्प यू, यस यस, सो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, या यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, राइट। एज अ ट्रैवलर, आई वाज एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ट्रैवल फिल्म, टू इंडियन गाइस, साउथ इंडियन गाइस, वन फ्रॉम चेन्नई, वन फ्रॉम मुंबई, नहीं वन फ्रॉम मैंगलोर, दे ट्रैवल टू साउथ अमेरिका, वहाँ पे जाके उन्होंने बाइक्स खरीदी, एंड दे ट्रैवल्ड 6 months इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एंड आई हैव सीन द फुटेज, उन वो बाइक चलाते पंक्चर हो गया हाईवे के बीच में, स्पैनिश आती नहीं है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक पुलिस वाला, पुलिस की टोइंग ट्रक जा रही है, रैंडमली टोइंग ट्रक जा रहा है, दे जस्ट डू दिस, होला होला, पंक्चर पंक्चर, रिपेयर रिपेयर, एंड connected and wo usko le gaye, and they're shooting that also, so like travelers, and this guy said in that, you if you're traveling alone, trust the universe,
डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम, नहीं तो आ जाएगी प्रेगनेंसी. एग्जैक्टली. ये जो मतलब बियॉन्ड दैट, ये जो हमारा पंचर वाला था ना, ये सेम हैपेंड विद मी. जो मेरा फर्स्ट मनाली का ट्रिप था, तो वो ट्रिप खत्म होने से, मतलब ट्रिप खत्म हुआ एंड आई प्लान की ठीक है पठानकोट नहीं जाएंगे, पहले मैं धर्मशाला जाती हूँ. पता नहीं कि एक ना धर्मशाला मेकलो से एक रिश्ता है मेरा, सेकंड होम है, तो कहीं से भी होके आई जस्ट लाइक एक चिल नाइट होनी चाहिए मेकलो में. तो आई वेंट अलोन, तो मैं मेकलो जा रही थी और वहाँ पे मैंने एयरफोन्स लगाए थे कान में, गाना इतने ज़ोर से बज रहा था चर्च वाली रोड पे, और अचानक से क्या हुआ कि ठक की आवाज़ आई जो मुझे नहीं सुनाई थी क्योंकि मैंने एयरफोन्स लगाए थे अच्छे खासे, और लोग बता रहे मैडम टायर लाइक शिट टायर पंचर नहीं हुआ, टायर फट गया क्योंकि वो इतना मनाली करके आया, मनाली के बाद वापस आ रहा है, खत्म हो गया था टायर. अब टायर पंचर का इलाज तो था मेरा, फटने का इलाज मेरे पास नहीं था. अब मैं बता रही कि नॉलेज के बियॉन्ड आप कैसे जा सकते हो. तो व्हाट हैपेंड कि अब वहाँ पे काफ़ी बाइकर्स ना निकल रहे थे मेरे सामने, साउथ इंडियन बाइकर्स, तो मैंने ऐसे बाइकर्स को रोक दिया. तो रुके नहीं, वो निकल गए. मैंने कहा क्या बाइकर्स हैं यार, हेल्प ही नहीं करके गए. तो मैंने से सेंट्रल स्टैंड पे स्कूटी लगाई है, मैं सोच में क्या करूँ, इतने में देखती हूँ 1, 2, 3, 20 बाइकर्स वापस, वो किसी एक ने ना उनको बुला लिया और सारे के सारे बाइकर्स वापस आ गए. मैंने कहा ये कौन सी बात कर रहे हैं. अब वो कॉन्वर्सेशन में ये डिस्कस कर रहे थे कि इसे खोलना कैसे है, ठीक है, और कौन से टूल से खुलेगा, क्योंकि उनके पास रॉयल एनफील्ड का सब कुछ सारा सामान था और मेरे पास स्कूटी का था. अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो अपनी साउथ इंडियन में अन्ना वन्ना कर रहे थे. फाइनली मैंने बीच में बोला कि ये वाला खोल है. ओ फिर उन्होंने खोल के चेंज करके मुझे दिया एंड अब वो टायर लेके मुझे मैक्लोर से, क्योंकि सारी शॉप्स बंद थी, नीचे धर्मशाला जाना था और वहाँ पे अपना नया टायर और नई ट्यूब करके वापस लाना था. तो उन्होंने मुझे कहा हम लिफ्ट लेके आपको नीचे छोड़ देते हैं, हम जा ही रहे हैं. तो देन आई कम टू नो वो एयरफोर्स के थे. तो फिर वो एयरफोर्स वाली स्टोरी स्टार्ट हो गई. फिर हमारा एक बॉन्ड बन गया और वो पूरा ग्रुप एक वो बन गया, एक सेल्फी ले रहे हैं मेरे साथ. और फिर ऐसे करते करते 3-4 लोगों ने हेल्प किया एंड फाइनली मैं जब टायर लगाने लगी थी तो वहाँ पे जो अपने हिमाचल रोडवेज की बस थी, तो उसके ड्राइवर फटाफट उतरा एंड इज लाइक पता नहीं कहाँ से बीच सड़क में इतनी बड़ी बस खड़ा करके उसने मेरी पहले हेल्प की और हम दोनों ने पहले टायर लगाया और फिर वो निकल गया. तो वो हेल्प आ जाती है आपको कहीं ना कहीं से, अगर आप खुद पे भी ट्रस्ट करते हो और अगर आप लोगों पे भी ट्रस्ट करते हैं चीज़ों को लेके. काफी देर हमने कॉन्वर्सेशन करी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और आई होप हम एक और पार्ट लेके आए इसका, जब हम आपकी और एडवेंचरस स्टोरीज डिस्कस करें. आज की कॉन्वर्सेशन, इट वाज एक्चुअली रियली लवली, इनसाइटफुल एंड इट वाज एक्चुअली गुड कॉन्वर्सेशन. हमने आई होप यू डिडंट फील लाइक इंटरफेयर. बहुत मजा आया मुझे तो. मुझे तो लग रहा था हम अपने ही फ्रेंड सर्कल में मैं सबको स्टोरी सुना रही हूं. वी थैंक मोनिका फॉर शेयरिंग हर लवली जर्नी विद अस. प्लेजर इज ऑल माइन. फ्रॉम मी प्रणव एंड विबोध. Hasta la vista. Bye-bye.